इतनी शदीद गर्मी में गर्म हवाएं चल रही हैं, जरूर आपका भी हाथ पांव और चेहरा काला हो गया होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने दो स्टेप फॉलो करने हैं। जितनी भी झुलसी स्किन होगी, धूप से डैमेज हो चुकी है, रिपेयर हो जाएगी, सिर्फ आपने 14 दिन इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी है वाकई में इन दिनों, बहुत ज़्यादा गर्मी दो दिन से पड़ रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है, तो स्किन बिल्कुल डैमेज हो गई, क्रीम कोई असर नहीं कर रही। सबसे पहले जी आपने फ्रिज खोलनी है, उसमें से निकालना है टमाटर। टमाटर हमने हाफ कट कर लेना है, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 बता रही हूँ मैं आपको स्क्रबिंग का। फिर आपने चीनी लेनी है किचन से और डिप करना है टमाटर को चीनी में, और जी बिल्कुल अपने पूरे फेस पर, बाजुओं पर, काली गर्दन पर, हाथ पाँव पर आप मसाज करें 10 मिनट तक, ठीक है। आपने ये 10 मिनट तक स्क्रब करना है चीनी और टमाटर वाला, बहुत ज़बरदस्त आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, शाइन करेगी आपकी स्किन, और बिल्कुल जो धूप से झुलस गई है आपकी स्किन, 100% आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, ठीक है। टेंशन आपने नहीं लेनी, 10 मिनट तक आपने स्क्रब करना है टमाटर वाला, और फिर ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना। यकीन मानो इतनी गर्मी है, मैंने अपना चेहरा धोने के लिए नल खोला, इतना शदीद गर्म उबला हुआ पानी आ रहा था, तो मैंने कूलर जो होता है वहाँ से पानी लिया, जो पानी पीने का होता है कूलर से, कूलर में ठंडा पानी होता है, तो वहाँ से मैंने गिलास भरा और फिर मैंने अपने फेस को वॉश किया। यकीन माने इतना गर्म पानी आ रहा है, ठीक है। आपने ठंडा पानी आपने भी लेना है और फिर वॉश करना है। तो जी चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। ये आपने फेस मास्क के तौर पर अप्लाई करना है अपने फेस पर, ठीक है। स्क्रब किया, 10 मिनट तक ठंडे पानी से वॉश किया, उसके बाद हमने ये तैयार करना है। मुल्तानी मिट्टी लेनी है, बहुत ही ज़्यादा आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, आपके स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी जज्ब करेगा, ठीक है। एक चम्मच छोटा ले लिया है मैंने, और उसके बाद हमने एक चम्मच और लिया है छोटा चावल का आटा, ठीक है। दो चीज़ें, मुल्तानी मिट्टी और चावल का आटा हमने हाफ हाफ चम्मच लिया है। अगर आप एक एक चम्मच ऐड कर रहे हैं तो दोनों की क्वांटिटी आपने बराबर रखनी है। उसके बाद हमने इस पेस्ट को ना ही अरके गुलाब से बनाना है, ना ही आपने दूध लेना है, सिर्फ और सिर्फ टमाटर के पेस्ट से, जो टमाटर का पानी है ना, आपने यही ऐड करना है, इसी से हमने पेस्ट को रेडी करना है, ठीक है। चाहे एक चम्मच इसमें ऐड हो, चाहे दो चम्मच तक ऐड हो, ठीक है, हमने इसी को टमाटर के पानी से ही बनाना है। ये नेचुरल ब्लीच आपकी बन गई, आप समझ लें आपकी नेचुरल ब्लीच बन गई, आपकी स्किन को लाइट करेगा, पिगमेंटेशन को कम करेगा, एकदम से ख़त्म तो नहीं करेगा, अगर आप रेगुलर इसे यूज़ करेंगे महीना दो महीना, तो पिगमेंटेशन आपकी रिमूव हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी एकदम से हट जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू रखते रहेंगे तो आपकी स्किन मज़ीद निखर जाएगी, किसी क्रीम की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है फेस पर, ठीक है। आपने लिए ये पेस्ट को रेडी कर दिया, अपने फेस पर 5 मिनट तक मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। मसाज करके छोड़ देना है और पंखे के सामने बैठ जाना है ड्राई करने के लिए। जब अच्छे से 15 से 20 मिनट में, 10 मिनट में ड्राई हो जाएगा, फिर ठंडे पानी से आपने अपने फेस को वॉश करना है, रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने होंगे। 14 दिन तक आप इसे इस्तेमाल करें और 14वें की चांद की तरह चमक जाएंगे आप 14वें दिन, ठीक है। ज़रूर आपने ये अप्लाई करना, और कमेंट में इसका रिजल्ट आपने ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको इसके रिजल्ट नहीं मिले तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगी।